युवराज सुहानी के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह जाता है। सुहानी को इस बात का एहसास नहीं था कि वो खुशी में क्या कह रही है और क्या कर रही है। उसने युवराज को जोर से पकड़ कर रखा था और युवराज के हाथ इस वक्त हवा में थे। कुछ देर तक सुहानी ने इसी तरह युवराज को हग किया हुआ था। कुछ देर बाद जब उसकी एक्साइटमेंट कम होती है तो उसे अचानक से एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया और युवराज से क्या कहा है। जब सुहानी को ये एहसास होता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से गायब हो जाती है और वो धीरे धीरे करके पीछे हटते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। युवराज इस वक्त सुहानी को एक तक देख रहा था। वैसे तो वो अपनी फीलिंग्स अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के पीछे आसानी से छुपा लेता था, लेकिन आज ये उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सुहानी अपनी हरकत से बहुत एम्बैरेस हो जाती है और युवराज से नजरें चुरा कर हकलाते हुए कहती है, यू सर वो मैं। इससे आगे सुहानी कुछ कह नहीं पाती और कार का दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती है। सुहानी के वहां से जाते ही युवराज के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसे इस बात का एहसास था कि अब उसकी और सुहानी के बीच की दूरियां कम होने लगी है और अब वो खुद भी सुहानी को अपने करीब आने से नहीं रोकना चाहता था। उसे अब किसी भी अंजाम की कोई फिक्र नहीं थी। युवराज अब अपनी कार लेकर वापस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में समायरा अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। युवराज अब वापस से हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जैसे ही वो समायरा के प्राइवेट वार्ड के बाहर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके गार्ड्स और अर्णव के बीच बहस चल रही थी। अर्णव गुस्से में उन गार्ड्स को धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। युवराज अपने गार्ड्स को इशारा करके कहता है कि वो अर्णव को अंदर जाने दे और खुद भी उसके पीछे जाने लगता है। गार्ड्स के रास्ते से हटते ही अर्णव तेजी से समायरा के वार्ड के अंदर जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। अर्णव समायरा के सर पर हाथ रखता है और आसपास के इक्विपमेंट्स और मशीन से समायरा की हालत जानने की कोशिश करने लगता है। युवराज अर्णव की इस बेचैनी को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था। युवराज अर्णव से कहता है, एएसपी सिंह आर यू ओके। युवराज की बात सुनकर अर्णव उठ जाता है और युवराज से पूछता है, क्या हुआ था यहाँ? वो सब क्या था जो मैंने यहाँ देखा? वो औरत कौन थी और वो समायरा के साथ क्या कर रही थी? समायरा को किसने बचाया? युवराज को अर्णव की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अर्णव से कहता है, एएसपी सिंह मुझे लगता है आपको अभी आराम करना चाहिए। अर्णव कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं समायरा के साथ रुकूंगा। युवराज कहता है, अब समायरा यहाँ नहीं रहेगी, हम उसे यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। अर्णव बौखलाहट के साथ कहता है, समायरा कहीं नहीं जाएगी, यही मेरे साथ रहेगी। युवराज अर्णव से कहता है, एएसपी सिंह हमें समायरा को यहाँ से शिफ्ट करना होगा, यहाँ उसकी जान को खतरा है, हम उसे किसी महफूज जगह पर ले जाएंगे। अर्णव खुद को संभालते हुए कहता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो समायरा मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये कहकर अर्णव समायरा के बेड के पास बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर उसके चेहरे को देखने लगता है। युवराज समायरा के बेड से थोड़ी दूर खड़े होकर अर्णव की इस बेचैनी को देख रहा था। वो इस वक्त अर्णव के अंदर के उन इमोशंस को समझ रहा था जिससे अब तक अर्णव खुद ही अनजान था। युवराज अर्णव को इस तरह से बेचैन देखकर उससे कहता है, एएसपी सिंह आई थिंक आपने कुछ देर पहले ही देख लिया है कि समायरा को कैसे लोगों से खतरा है और आप उनसे समायरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए समायरा की सेफ्टी के लिए यही बेस्ट है कि वो मेरे प्रोटेक्शन में रहे। अर्णव समझ रहा था कि युवराज इस वक्त बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो अब समायरा को खुद से दूर रहने नहीं देना चाहता था। अर्णव उठकर युवराज के पास चला जाता है और उसके सामने खड़े होकर कहता है, ठीक है अगर आपको समायरा को अपने प्रोटेक्शन में रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर में। युवराज अर्णव की आंखों में देखते हुए कहता है, आप समायरा के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अर्णव युवराज की आंखों में देखते हुए ही जवाब देता है, यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। अर्णव की बात पर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता।
वो बस वहाँ शांत खड़े होकर अर्णव को ऑब्जर्व करने लगता है। अर्णव आगे कहता है, समायरा ने कई बार मेरी मदद की है और अब उसे मेरी मदद की जरूरत है, मैं बस उसका साथ देना चाहता हूँ। युवराज इस वक्त अर्णव से उलझना नहीं चाहता था और उसे ये भी पता था कि अर्णव समायरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। युवराज अर्णव की बात से एग्री होते हुए कहता है, ठीक है एसपी सिंह, आप समायरा को अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, मेरे गार्ड्स हर वक्त आपके घर में होंगे। अर्णव युवराज की शर्त सुनते ही कहता है, फाइन। युवराज अर्णव से कहता है, ओके देन, आप अपने घर जाइए, समायरा कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार अर्णव को युवराज पर भरोसा था। वो आगे बिना कोई सवाल किए उस कमरे से बाहर चला जाता है। अर्णव के जाने के बाद युवराज समायरा को देखता है, शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे में गुस्से के भाव आने लगते हैं। युवराज बिना पीछे मुड़े कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। युवराज ये बात उससे कह रहा था जो इस वक्त ठीक युवराज के पीछे खड़ी थी। पीछे से एक औरत की आवाज आती है, मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उस औरत के ऐसा कहते ही युवराज पीछे मुड़ जाता है। वहाँ पद्मिनी सिंघानिया थी। पद्मिनी को वहाँ देखकर युवराज को गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पद्मिनी युवराज के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वो अभी काफी गुस्से में है। वो युवराज के थोड़ा करीब आकर कहती है, तुम्हें मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों आता है? युवराज पद्मिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। पद्मिनी नकली हंसी हंसते हुए कहती है, अच्छा, पर लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। युवराज पद्मिनी से अपनी नजरें फेर लेता है। पद्मिनी भी अब युवराज के चेहरे से अपनी नजर हटाकर बेड पर बेहोश समायरा को देखने लगती है। समायरा को देखते ही पद्मिनी के चेहरे की वो नकली मुस्कान गायब हो जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही पद्मिनी समायरा की तरफ एक कदम बढ़ाती है, युवराज उसके सामने आ जाता है। युवराज पद्मिनी की आंखों में देखकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, सोचना भी मत। पद्मिनी भी अपने शब्द पर जोर देते हुए कहती है, क्यों? युवराज पद्मिनी के चेहरे से अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है। पद्मिनी गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, लेकिन इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। युवराज कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पद्मिनी कहती है, इट इज माय बिजनेस, तुम्हारी जान का दुश्मन मेरा दुश्मन है, याद है या भूल गए? युवराज फिर से पद्मिनी को कोई जवाब नहीं देता। युवराज को खामोश देखकर पद्मिनी फिर से समायरा की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। तभी युवराज फिर से उसके सामने आते हुए कहता है, मैंने कहा ना, सोचना भी मत। युवराज का हर बार इस तरह से पद्मिनी को मना करना उसका गुस्सा और भी बढ़ा रहा था। वो युवराज से कहती है, मैं आज इसे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। युवराज कहता है, और मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पद्मिनी युवराज से कहती है, आखिर तुम उस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो जो होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारी जान ले लेगी? युवराज बहुत रूडली जवाब देता है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझसे निपटना होगा और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। आई होप तुम ये अच्छे से जानती हो। युवराज की बात सुनकर पद्मिनी समायरा की तरफ एक नजर देखती है और फिर युवराज की तरफ। इसके बाद गुस्से में उस कमरे से बाहर निकल जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन एक बार फिर से शांत हो जाता है। इधर युवराज के ड्रॉप करने के बाद सुहानी घर के अंदर आ जाती है। वो इस वक्त काफी नर्वस और एम्बैरेस्ड लग रही थी। वो खुद को कोसते हुए घर के अंदर आती है। सुहानी परेशान होकर बड़बड़ाते हुए चल रही थी। सुहानी, तू पागल है क्या? ये तूने अभी-अभी क्या किया? युवराज सर को आए? ये कहते ही सुहानी को वो रात याद आ जाती है जिस रात उसने युवराज को प्रपोज किया था। उस वक्त को याद करते हुए सुहानी कहती है, उस टाइम मैंने युवराज सर को प्रपोज कर दिया था,
लेकिन आज तो मैंने हद ही कर दी। अब मैं उनको कैसे फेस करूंगी? एक काम करती हूँ, आज मैं पूरे दिन उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुहानी यही सब बड़बड़ाते हुए चल रही थी, तभी वो सामने से आते हुए अक्षय से टकरा जाती है। सुहानी बिना सामने देखे इरिटेट होकर कहती है, देख के नहीं चल सकते क्या? ये कहते ही सुहानी सामने देखती है तो वहाँ अक्षय खड़ा था। वो सुहानी से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सुहानी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम ठीक हो? अब सुहानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अक्षय से माफी मांगते हुए कहती है, नहीं, आई एम सॉरी, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। अक्षय कहता है, एक्चुअली हम दोनों ही देखकर नहीं चल रहे थे। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे? सुहानी कहती है, हाँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अक्षय दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे युवराज नहीं आया तुम्हारे साथ? सुहानी ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं, युवराज सर को कोई जरूरी काम था, इसीलिए वो मुझे ड्रॉप करते ही चले गए। सुहानी का जवाब सुनकर अक्षय झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अक्षय किसी सोच में पड़ जाता है। सुहानी कहती है, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? सुहानी के कहने पर अक्षय अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपना सर झटक कर कहता है, कुछ नहीं। वो आगे कहता है, तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सुहानी मुस्कुरा देती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी के जाते ही अक्षय का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो सीरियस होकर खुद से कहता है, युवराज फिर से चला गया, अगर वो घर में ही नहीं होगा तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूँगा। समायरा को अर्णव के घर शिफ्ट करके युवराज घर आ जाता है। युवराज को फिर से सुहानी और उसका वो मोमेंट याद आता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ महीने पहले तक युवराज और मुस्कुराहट का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सुहानी के आने के बाद से युवराज ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। घर के अंदर आते ही युवराज की नजरें सुहानी को ढूंढने लगती है। उसे देखकर शुभ्रा कहती है, अरे युवराज बेटा, तुम आज घर में? युवराज कहता है, हाँ, वो आज काम जल्दी खत्म हो गया। शुभ्रा युवराज पर शक करते हुए कहती है, अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आज तक मैंने कभी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुना कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। ये सुनकर युवराज झेप जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। शुभ्रा मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अब आ गए हो तो आज लंच घर में कर लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। तभी निशा और विवेक भी कॉलेज से आते हैं और शुभ्रा उन्हें भी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठा देती है, लेकिन युवराज की नजर तो सुहानी को ही ढूंढ रही थी जो अभी तक वहाँ नहीं आई थी। शुभ्रा एक सर्वेंट से कहती है कि वो ऊपर जाकर सुहानी को लंच के लिए बुला कर लाए। क्या है अक्षय का मकसद? क्या अर्णव समझ पाएगा समायरा के लिए अपनी फीलिंग्स? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुहानी अपने कमरे में बैठी थी। वो अभी तक इसी उलझन में थी कि वो अब युवराज का सामना कैसे करेगी। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाजा खुला हुआ था। सुहानी दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ एक सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट सुहानी से कहता है, मैडम, शुभ्रा मैडम आपको लंच के लिए बुला रही है। लंच का नाम सुनते ही सुहानी खुश हो जाती है, क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो उछलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, फिर अचानक से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो सर्वेंट से पूछती है, क्या युवराज सर नीचे है? सर्वेंट सुहानी से कहता है, जी मैडम, युवराज सर नीचे ही है। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहती है, वो एक्चुअली मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। ये सुनकर वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो शुभ्रा से कहता है, मैडम, सुहानी मैडम ने कहा है कि उन्हें अभी भूख नहीं है, वो बाद में खा लेंगी। शुभ्रा कंफ्यूज होकर कहती है, भूख नहीं लगी, लेकिन उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। शुभ्रा युवराज को देखते हुए आगे कहती है, युवराज,
सुहानी ने हॉस्पिटल में कुछ खाया था क्या? युवराज कहता है, नहीं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी खाने से इसीलिए मना कर रही है क्योंकि वो अभी युवराज को फेस करना नहीं चाहती, लेकिन वो जानता था कि अभी सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे टाइम पर खाना खाने की जरूरत है। निशा शुभ्रा से कहती है, आंटी मैं सुहानी को बुला कर लाती हूँ। तभी युवराज अपनी जगह से उठकर कहता है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ, और सुहानी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। युवराज के ऐसा करने से निशा, विवेक और शुभ्रा चौंक जाते हैं और हैरानी से उसे देखते रहते हैं। युवराज सुहानी के दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजा खुला था और सुहानी दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठी थी। सुहानी बिना पीछे मुड़े कहती है, मैंने कहा ना मुझे अभी भूख नहीं है। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, भूख क्यों नहीं है? युवराज की आवाज सुनते ही अचानक सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे उसका युवराज को हक करना और आई लव यू कहना याद आ जाता है। सुहानी की पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह बेड पर खामोश बैठी रहती है। युवराज कमरे के अंदर आकर कहता है, मैंने पूछा तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है? सुबह से तो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। सुहानी युवराज से नजरें चुराते हुए कहती है, वो मुझे भूख नहीं। युवराज सुहानी के सामने एक चेयर लगाकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, लंच ठंडा हो रहा है। सुहानी नर्वस होकर युवराज से कहती है, युवराज सर जो मैंने आपसे कहा था वो जानबूझकर नहीं कहा था, बस मुंह से निकल गया। सुहानी की ये बातें सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो सुहानी को छेड़ने के लिए अनजान बनकर कहता है, तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी घबराते हुए कहती है, वो सुबह जो मैंने कार में आपसे कहा था। युवराज सुहानी के सामने सीरियस होकर याद करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी कहती है, आपको याद नहीं है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नहीं। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी को लगता है कि शायद युवराज ने वो बात माइंड ही ना की हो, इसीलिए वो बात अब तक युवराज को याद भी नहीं है। वो खुश होकर युवराज से पूछती है, आपको सच में याद नहीं है? युवराज फिर से उसी तरह जवाब देते हुए कहता है, नहीं। सुहानी खुश होकर कहती है, फिर तो कोई इशू नहीं है, हम लंच करने जा सकते हैं। सुहानी बेड से नीचे उतर जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाती है तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। वो और कोई नहीं युवराज था। युवराज के ऐसे सुहानी का हाथ पकड़ने से सुहानी फिर से घबरा जाती है। तभी युवराज सुहानी के करीब आता है और उसके कान के पास आकर कहता है, एक्चुअली मुझे याद आ गया कि तुमने सुबह कार में मुझसे क्या कहा था। युवराज की बात सुनकर सुहानी की सांसें रुक जाती हैं। वो बस किसी मूर्ति की तरह वहाँ खड़ी रह जाती है। युवराज जानता था कि सुहानी की क्या हालत हो रही है, लेकिन आज तो वो सुहानी को परेशान करने के मूड में था। युवराज अपने एक्सप्रेशन सीरियस कर सुहानी के सामने आ जाता है। सुहानी की नजरें इस वक्त झुकी हुई थीं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। युवराज सुहानी के थोड़ा और करीब जाकर कहता है, तुमने कहा था यू आर द बेस्ट, थैंक यू, और आगे क्या कहा था? सुहानी के तो अब तक हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। युवराज उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, आई लव यू सो मच। सुहानी अपनी नजरें उठाकर उसे हैरानी से देखती है। एक सेकंड के लिए उसे लगता है जैसे युवराज ने ये बात उससे कही है। युवराज सुहानी के मन की बात समझते हुए कहता है, ये तुमने मुझसे कहा था कार में। ये सुनकर सुहानी को समझ आता है कि युवराज उसी की कही बात को दोहरा रहा है। सुहानी हकलाते हुए कहती है, वो युवराज सर, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, बस एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया। युवराज को सुहानी की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, ओ रियली? तो आज तक ऐसे एक्साइटेड होकर तुमने कितने लड़कों को आई लव यू कहा है? सुहानी घबराते हुए कहती है,
आई एम सॉरी, मैं आज की बात कभी ऐसा नहीं कहूंगी। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए फिर से अनजान बनकर कहता है, क्या नहीं कहोगी? सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, I love you। युवराज फिर से कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। सुहानी उसी अंदाज में कहती है, मैंने कहा I love you। सुहानी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी और उसे देखकर युवराज मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नजर सुहानी के हाथों पर पड़ती है। वो देखता है कि सुहानी डर से कांप रही है। युवराज बात को बदलते हुए कहता है, भूख लगी है? सुहानी सर झुकाए हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं। युवराज कहता है, नहीं? ये सुनकर सुहानी सोचती है कि शायद लंच के बहाने ही वो युवराज की इस रैगिंग से बच सकती है। वो तुरंत अपना सर उठाकर कहती है, लगी है। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज कहता है, ठीक है फिर चलो, लंच रेडी है। युवराज के इतना कहते ही सुहानी उस कमरे से ऐसे भागती है जैसे पिंजरे से छूटते ही कोई चिड़िया भाग जाती है। सुहानी को ऐसे भागते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे उसने कब से कंट्रोल किया था। इधर सुहानी भागते हुए नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठ जाती है। निशा और विवेक सुहानी के हॉस्पिटल से आने के बाद उससे नहीं मिले थे। निशा और विवेक की नजर सुहानी की चोट पर जाती है। निशा सुहानी की फिक्र करते हुए कहती है, सुहानी तुझे ये चोट कैसे लगी? सुहानी निशा से कहती है, अरे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सुहानी इतना ही कह पाई थी। तभी युवराज भी वहां आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। युवराज के आते ही सुहानी अपना सर नीचे झुका लेती है और चुपचाप खाने लगती है। विवेक सुहानी से कहता है, कैसा एक्सीडेंट? सुहानी अपनी नजरें ऊपर उठाकर विवेक को इशारे से कहती है कि वो ये सब बात बाद में बता देगी। विवेक सुहानी की बात समझ जाता है और आगे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन निशा ये बात नहीं समझ पाती। वो सुहानी पर दबाव बनाते हुए कहती है, सुहानी बताना एक्सीडेंट कैसे हुआ? सुहानी कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सर नीचे किए हुए खाना खाने लगती है। वो इस वक्त जल्द से जल्द खाना खत्म करके वहाँ से जाना चाहती थी, जिससे उसे युवराज का सामना न करना पड़े। युवराज लंच करते हुए सुहानी की ये हरकत ऑब्जर्व कर रहा था। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आता। निशा इरिटेट होकर कहती है, सुहानी तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है और हमारे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? सुहानी अपनी नजरें नीचे किए हुए कहती है, मुझे डॉक्टर ने खाना खाते हुए बात करने से मना किया है। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक और निशा अपना मुंह बना लेते हैं। युवराज ये सब देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी विवेक की नजर युवराज पर पड़ती है। वो देखता है कि हमेशा शांत और सीरियस रहने वाला युवराज आज कुछ तो अलग लग रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। युवराज को देखने के बाद विवेक सुहानी को देखता है, जो अपना सर नीचे झुकाकर बस खाना खाए जा रही थी। विवेक उन दोनों को देखकर निशा की तरफ अपना सर झुकाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, निशा तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? निशा भी धीमी आवाज में विवेक से कहती है, क्या अजीब लग रहा है? विवेक कहता है, मुझे लगता है युवराज सर और सुहानी के बीच जरूर कुछ हुआ है। देखना दोनों आज कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। विवेक की बात सुनकर निशा एक्साइटेड होकर कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि सुहानी और युवराज सर के बीच कुछ हो जाए। विवेक मुंह बनाकर कहता है, क्यों? निशा खुश होकर कहती है, अरे सोचो अगर इन दोनों का कुछ हुआ तो युवराज दीवान मेरे जीजू बन जाएंगे और फिर पूरा शिमला, नहीं नहीं पूरा हिमाचल मुझसे डरेगा, कितना मजा आएगा। निशा के ऐसा कहने पर विवेक उसे अजीब सी नजरों से देखता है, फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। निशा और विवेक ने अपनी बातें बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि युवराज उनकी बातें सुन सकता है। युवराज निशा से कहता है, निशा तुम कुछ कह रही थी? निशा युवराज का सवाल सुनकर डर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। निशा फौरन बहाना बनाकर कहती है,
युवराज सर, मैं ये कह रही थी कि आप आजकल कॉलेज नहीं आते क्लास लेने के लिए। युवराज कहता है, अब मैं कॉलेज में पढ़ाने नहीं आऊंगा। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी, निशा और विवेक चौंक जाते हैं। सुहानी और विवेक उससे पूछना चाहते थे कि वो अब कॉलेज पढ़ाने क्यों नहीं आएंगे, लेकिन उसका सीरियस फेस देखकर किसी की उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती। सुहानी अपना लंच खत्म करके वहाँ से जल्दी से चली जाती है और उसके बाद युवराज भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद अक्षय युवराज के कमरे में आता है। इस वक्त युवराज अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। युवराज एक नज़र अक्षय को देखता है, फिर वापस से लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। अक्षय ने अपने हाथ में एक रेजर पकड़ा हुआ था। अक्षय युवराज के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है, युवराज सुनना। युवराज लैपटॉप पर अपनी नजरें जमाए हुए कहता है, हुँ? अक्षय युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। युवराज उसी अंदाज में कहता है, हुँ? अक्षय अपने हाथ का रेजर युवराज के सामने करते हुए कहता है, भाई इसे फिक्स कर देना प्लीज। युवराज एक नजर अक्षय की तरफ देखता है, फिर अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहता है, वॉशरूम में मेरा ट्रिमर रखा हुआ है, उसे यूज कर ले। अक्षय युवराज से जिद करते हुए कहता है, नहीं मुझे यही यूज करना है, प्लीज भाई इसे ठीक कर देना। युवराज इरिटेट होकर अक्षय को देखता है। युवराज के इस तरह से देखने पर अक्षय थोड़ा डर जाता है, फिर हिम्मत करते हुए कहता है, कर देना यार मुझे नहीं हो रहा है। युवराज जानता था जब तक वो अक्षय का काम पूरा नहीं करेगा अक्षय वहाँ से नहीं जाएगा। युवराज अक्षय के हाथ से वो रेजर लेता है और उसका ब्लेड फिक्स करने लगता है। अक्षय बड़े ध्यान से युवराज को वो रेजर फिक्स करते हुए देख रहा था। जब अक्षय देखता है कि युवराज की एक उंगली उस रेजर के ब्लेड के काफी नजदीक है, वो झट से रेजर युवराज के हाथ से छीन लेता है और कहता है, युवराज तू रहने दे, ये तुझसे भी नहीं बनेगा। क्यों अब युवराज आगे पढ़ाना नहीं चाहता, जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।